अभी एक घंटा आप अगर अनाउंस करते हैं आ जाता है तो अगर अनाउंस करते हैं, चूंकि देखिए ये कौम का सवाल है और आप लोग इमाम हैं, आप लोगों पे पूरा दारोमदार है, हर जगह पूरे जिला में हम लोग इमाम को सबसे पहले इमाम से मिलके वहाँ तक जानकारी, या जहाँ जानकारी नहीं भी हुई है जैसे ही उनको पता चलता है कि कौम की बात है यहाँ पर कैंप लगना है तो वो खुद एक्टिव हो जाते हैं। अब फलाहुल से बड़ा मदरसा, फलाहुल में तो मान के चलिए मदरसा देवबंदी के भी मसलक के हो गए, वहाबी भी हो गए और ताजुश शरिया बरेलवी भी हो गए। जिले के राजनगर भगवानपुर मुस्लिम टोल स्थित मदरसा के इमाम नूरुल्ला रहमानी को कोविड टीका के लिए राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लैब टेक्नीशियन इसमतुल्लाह गुलाब एवं केयर इंडिया के महेंद्र सिंह सोलंकी ने खुद टीका लेने एवं बस्ती के सभी लोगों को टीका लेने का ऐलान करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद मौलाना ने खुद तो टीका लिया ही, साथ में लोगों से टीका लेने का अपील भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भगवानपुर राजनगर मधुबनी के हेड मुदर्रिस बोल रहे हैं। आज हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीन टीकाकारी का कैंप लगा है, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम बल्कि अक्सरियत मुस्लिम हजरात आकर टीकाकारी करा रहे हैं। ये वैक्सीन हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर है। दरअसल ये वैक्सीन इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये जो वायरस चल रहा है और ये वायरस से जो आम लोग परेशान हो रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और जो मौत के दहाने पर जा रहे हैं, उसके रोकने के लिए साइंसदानों ने वैक्सीन लगाया है। इससे वैक्सीन लगाने से जो कोरोना है उसको रोकने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। गोया कि हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए और हमें बेहतर सेहतमंद बनाने के लिए कोरोना वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम तमाम आवाम से अपील करते हैं कि वो वैक्सीन लगाएं और अपने घर वालों को, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो सब वैक्सीन लगाएं, इससे फ़ायदा होगा। बता दें, भगवानपुर मुस्लिम टोल मदरसे में राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से मदरसे में कैंप लगाया गया था, जिसमें कुछ लोग टीका लेने से इनकार कर रहे थे। लैब टेक्नीशियन मोहम्मद इसमतुल्लाह गुलाब एवं केयर इंडिया के महेंद्र सिंह सोलंकी के काफ़ी प्रयास के बाद इस केंद्र पर 300 टीका लाभुक को लगाया गया। कैंप को सफल बनाने में सुगौना उत्तरी पंचायत के मुखिया अजीत राय, मोहम्मद अंसारुल हक, मोहम्मद सुभान अंसारी, ANM मीरा देवी एवं आशा नाहिद अख्तर सक्रिय रहे। आप देख रहे थे KR न्यूज़। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला। फिर मिलते हैं अगले खबर के लिए, तब तक आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।